दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई। फिलहाल जो है पुलिस चौक के अनाज मंडी बरवा हिसार की तस्वीरें मैं आपने दिखाने लाग रहा हूँ। जो सवेरे का मामला है, जो सुबह का मामला आप सबने पता भाई, किस प्रकार से जो है आज FIR करने से मना करने लग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि FIR करने से भी मना करने लग रहे हैं? FIR क्यों नहीं करने लग रहे? बड़ी बात यह है कि FIR करने से मना क्यों किया जा रहा है? शेयर कर दो एक बार ज्यादा ज्यादा। देख लो आप पुलिस चौक की अनाज मंडी से आप फिलहाल मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भाई साहब के कुछ मामला है, FIR क्यों नहीं करने लग रहे? क्यों आना कहानी चल रही है FIR करने में? बड़ी ऊंची बात बोली। प्रशासन की नीत में खोट है और यो आज पहली बार नहीं होने लग रहा। पहले भी आपने देखा होगा, तीसरा चौथा महीना टला है, हमारा कोई न कोई भाई थर्मल में शहीद हो जाए है। हर आदमी को मतलब रोजी रोटी के लिए यहाँ काम करने के लिए आता है, लेकिन आप देखो बिल्कुल एक तरह से मीनी पाकिस्तान बना रखा है। चार दीवारी के अंदर अधिकारी शोषण करते हैं, ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार शोषण करते हैं। जो काम इसका था ही नहीं, मात्र 24 साल का था हमारा भाई रिंकू, जो काम इसका नहीं था, पानी के प्रेशर से कोयला हटाना होता है, वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई प्रेशर की व्यवस्था नहीं। तो और अब सुबह से यहाँ मतलब कल रात से ही परिवार वाले और हम सब साथी आए हुए हैं, लेकिन महकमा कोई सुनवाई नहीं करने लग रहा। इसके खिलाफ हम वहाँ गेट के सामने बैठे हैं और आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं प्रशासन को, या तो जो दोषी अधिकारी हैं वो चाहे ठेकेदार है, SC है, एक्शन है और चीफ है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, वरना हम कोई कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। वजह क्या है भाई साहब, क्यों नहीं अभी तक मतलब प्रशासन कार्रवाई करने रहा है? कोई ऊपर से प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर है, क्या कुछ है जी? रात 12 बजे हमारे कर्मचारी के साथ हादसा हुआ और आज 3 बज गए हैं। ना तो थर्मल मैनेजमेंट ने कोई सूद है, ना इन कानून के रखवाड़े ने कोई सूद है। हम बार बार चिल्ला के चक लिए कि जी एक FIR तो दर्ज कर दो। ना तो थर्मल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज करे हैं और हमारे रात के 12 बजे तक 900 कर्मचारी भूखे प्यासे थर्मल के आगे बैठे हैं। यही मांग है कि हमें न्याय दो। पहले भी हमारा कर्मचारी है हो चुका है, लेकिन यो थर्मल मैनेजमेंट यो जो थर्मल है काल का ग्रास है, बार बार रोड हादसे हुए हैं। हादसे होने का कारण निम्न क्वालिटी के सारे उपकरण लाना है, अधिकारियों की लापरवाही है और ठेकेदारों की लापरवाही है। परंतु ना तो थर्मल मैनेजमेंट सुनने को तैयार है और ना ये कानून के रखवाड़े सुनने को तैयार है। दोहरी मार कर्मचारियों पर रही है। आज सुबह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 5 मिनट 10 मिनट कर करके पुलिस प्रशासन हमको यहाँ पे बहला फुसला रहा है कि FIR दर्ज आप कर देंगे 5 मिनट में 10 मिनट में। FIR दर्ज करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये लोग दबाव में हैं, या तो किसी सरकारी मंत्री के दबाव में हैं या थर्मल के जो चीफ और MD बैठे हैं उनके दबाव में हैं। और हम भी साफ निर्देश इस कानून के रखवाड़ों को भी देना चाहते हैं, थर्मल मैनेजमेंट को भी, जब तक हमारे भाई रिंकू को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हमारा साथी तो हमारे बीच से जा चुका है, हमारी बाई बाजू कट चुकी है, परंतु हमारा जो आगामी आंदोलन है, अगर इन लोगों ने सूद नहीं ली तो हम अभी परिवार के समेत थर्मल के आगे जाके बैठेंगे। आगामी कार्रवाई हमने जो करनी है, संगठन के प्रतिनिधि भी वहाँ बैठे हैं, सैकड़ों साथी हमारे वहाँ इंतजार में अभी धरना लगाए बैठे हुए हैं। जो भी रणनीति बनाई जाएगी, हमको रिंकू भाई का न्याय चाहिए और जो भी आगे इसका आर्थिक सहायता इसको मिलनी है उसके बारे में भी संगठनात्मक जो हमको वार्ता करनी है वहाँ पे वार्ता की जाएगी। हम आपके माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि सोए हुए मैनेजमेंट जाके, सोए हुए पुलिस प्रशासन जाके और इन कर्मचारियों की, इन गरीब तबके की सूद ले। बस परिवार से कोई है आपके साथ में? हाँ, सारे परिवार से। भाई आपके क्या लगते थे? मैं उसका भाई हूँ, बड़ा बड़ा भाई। कितने दिन से थर्मल में काम कर रहे हो? 1.5 साल से काम कर रहे हो। अच्छा, अगर फिलहाल की बात करूँ मैं, प्रशासन ने आपसे बातचीत करी हुई क्या, कुछ कहा है? चले कहते भाई कल का मेरा भाई 11-12 बजे का मेरा हुआ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की। आपके बयान वगैरह? मेरे बयान लिए नहीं, नहीं करते, नहीं करते। अच्छा, FIR दर्ज के लिए क्या बोले आपने उनको? 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट नो टाइम दे रहे भाई साहब। पोस्टमार्टम को लेकर के क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ। पोस्टमार्टम को लेकर के क्या बात चली हुई कि ये सुनने में आई है कि प्रशासन ये बोल रहा है कि पोस्टमार्टम करवा लीजिए आप, उसके बाद में आपके FIR हो जाएगी? गोल गोल घुमाने वाली बात है। सवेरे के खड़े हैं, हमें
और जो अप्लीकेशन दे रखी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही। 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाला जा रहा है। राजनीति किसी प्रेशर में है, किसी के सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। पहले भी मारे ये आप देखोगे थर्मल में ऐसा कोई महीना जाता हुआ जिसमें हादसे नहीं होते, और जो उपकरण होने चाहिए ना उपकरण, और पीछे राखी गड्डी का 18/12/2022 को हमारा ऐसे ही एक राखी गड्डी कुलदीप भाई था उसकी डेथ हुई थी, और उसकी समय जो कंपनसेशन और उसकी जो पीएफ की और उसकी पेंशन की बात थी वो भी आज तक पूरी नहीं करके दी, और अब है पूरे परिवार को अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए मजबूरन हमने खेदर के सामने धरना लगा रखा है और आंदोलन को और भी तेज करने का काम कर रहे हैं। जितने भी साथी लाइव में पर जुड़े हैं, इस भाई की इस परिवार की मांग के लिए वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आवाज वहां तक पहुंच को। भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था भाई साहब, सुबह से लग रहे हैं हम पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना भयंकर दबाव है कि वो एक FIR दर्ज करने के लिए सारा दिन लगा दिया और अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। और हम न्याय की गुहार करते हैं, पुलिस प्रशासन से करते हैं, मुख्यमंत्री जी से करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए, न कि यहाँ पर भटकते हुए छोड़ रखा है हमें, जैसे ऐसे न रखा जाए। तो भाई ये तस्वीरें आप लगातार मेरे साथ देख पा रहे हो, आपको मैंने खेतर से भी लाइव लगातार दिखाने का काम करा था। फिलहाल की तस्वीरें आप जो मेरे साथ देख पा रहे हैं, अनाज मंडी चौक